श्रीकाल तो जुड़े हो एच एन वन न्यूज चैनल के नाल। पंजाब दे विच लगातार चोरियों के वाधा हो रहा, इसनों लैके चोर बेधड़क होकर चोरियां कर रहे हैं। तो चोर कई बार कई घर कई दुकानों चोरी का निशाना बना चुके हैं। तो ये लगती एक वड्डी खबर तुम दिखा जा रहे हैं शहर कुराली की, जितने कि शहर कुराली के पिछले दिनों में कई घर कई दुकानों चोरों वालों जितने निशाना बनाया गया से उसके नाल ही दस दें पिंड चनालों के कुछ दिन पहला हुई चोरी का कराली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिता है। दस दें कि चनालों के एक दुकान का शटर तोड़ के चोरों वालों 7 लाख के करीब का समान चोरी कर लिया, जिद कि मोबाइल फोन एल सी डी होर कई कीमती समान चोरों वालों चोरी कर लिया गया। उस तो बाद जो चोर मुड़ तो किसी होर दुकान निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस को इसकी भनक लगती है। तो पुलिस वालों उन्हें चोरों को काबू कर लिया जाता है। तस्वीर हम सीधी दिखा रहे हैं कि चोरों को एल सी डी मोबाइल भी बरामद कर लेने, एक कार जिहड़ी उन्होंने चोरों को बरामद भी कर ली है। पुलिस मुताबक दसिया जा रहा है कि इन्होंने चोरों के एक सरकारी मुलाजम भी इस चोरी के शामिल सी। तो इसको लेके कुराली सिटी पुलिस के एस एच ओ विनोद कुमार ने की कहा, तुसी आप ही सुनो। तुसी 3 आरोपी काबू किए हैं, कितों काबू किए हैं, किहड़े केस च काबू किए हैं? 6 तरीक नूं एक चोरी होई सी चनाला रोड से हरी टैलीकॉम चों, उत्थे 40 मोबाइल फोन चोरी होई सी, एल सी डियाँ चोरी हुई थी, एक लैपटॉप चोरी हुई थी। उस संबंध असी मुकदमा दर्ज किया एच सी संजीव कुमार ने। तो कल रात दोबारा एक चोरी होने लगी सी वार्डरोब स्टोर चो, तो जो उतों उन्होंने पता लग गया कि लोग इकट्ठे होने लगे, पता लग गया ये छाला मार के उतों दौड़ गए। तो इन्हों की गड्डी सी एक एसेंट, उतों सानू पता लग गया भी ये किहड़े पिंड का बंदा, तो असी उन्होंने काबू किया। तो नाल जसवंत सिंह है जिहड़ा मेन, उहदे नां ते गड्डी सी, ये एजुकेशन महकमे दे विच जॉब कर रहा। तो ये एक दिलप्रीत है, एक होर लड़का, इन्हों काबू करके इन्हों को सारी रिकवरी की, जिहड़ी तां इन्होंने रात चोरी की वार्डरोब चो 11,000 रुपये और रिकवर हो गया। तो जिहड़ी चनालों इन्होंने चोरी की सी सन ला के, वो सारा ही समान 40 मोबाइल फोन 4 एल सी डियाँ लैपटॉप तो जो कटर वगैरह जिहदे नाल कटदे सी वह भी इन्हों को रिकवर हो चुका। इन्हें पहले किन्ने के मुकदमे चलते हैं जी? हो ये साढ़े को 2 मुकदमे हो गए जी, बाकी इन्हों कल कोर्ट च पेश करेंगे मानजो कोर्ट च, तो उतो रिमांड लैके फिर असी इन्होंने को मजीद पुछगिछ करके अगे होर भी आस है कि इन्होंने को रिकवरी हो सकती है। किन्ने का अंदाजा लगता है भी जो रिकवरी हुई है किन्ने का अमाउंट की हो सकती है? 7 लाख की रिकवरी हो गई इन्होंने को। सर आरोपी कितने के रहने वाले हैं, की काम करते हैं? ये तीनों ही पटियाला पिंड के रहने वाले हैं, एक एजुकेशन महकमे जॉब करता पक्का मुलाजम है, दफ्तरी है, तो दो ये जो वैसे दिहाड़ी वगैरह करते हैं। पक्के मुलाजम तो सर पुछगिछ की, क्यों इन्हें ये काम किया जी? ये हाले तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, बाकी इन्हों हुण दोबारा फिर पुछगिछ करेंगे तो सारा कुछ पुछेंगे क्यों इन्ह इस लाइन च पाए। केड़ी-केड़ी धाराओं दे नाल मुकदमा दर्ज इन्हों 457 380 ते 411 ईपीसी का परचा दर्ज। जी सर गड्डी बरामद हुई है कि वह भी इन्हों के विचों के नाम? वह जसवंत सिंह के नाम पर ही है जी, उहदे नाम ते खुद के नाम पर है। तो सर कुराली थाना सिटी के एस एच ओ विनोद कुमार जी ने वो दस कि लगातार कुराली तो चोरी दी शिकायतें मिली, जिदे नाल कि पुलिस को अज इन्हां चोरों के पकड़ने के नाल वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। तो पुलिस वालों भी दावा किया गया कि जो कि कुछ दिन पहला पिंड चनालों के एक दुकान का शटर तोड़ के चोरों वालों 7 लाख के करीब मोबाइल फोन ते एल सी डियाँ चोरी करके ले गए थे, समान भी इन्हां चोरों को पुलिस ने बरामद कर लिया। तो नाल दी नाल पुलिस वालों दस्या गया कार चोरों को बरामद की, नाल दी नाल एक सरकारी मुलाजम भी इन्हां चोरों के नाल मिलिया होया सी, उसनों भी पुलिस ने काबू कर लिया। तो कुछ दिन बाद ही पुलिस वालों रिमांड लेने जा रही है, जिदे नाल कि कुराली दे विच होईयां होर चोरियां दे भी खुलासे इन्हां चोरों को हो सकते हैं, क्योंकि पिंडां दे विच शहरां दे विच कई चोरी के मामले सामने आ रहे, जिदे नाल कि पुलिस ने एक वड्डी कामयाबी अज इन्हां चोरों नूं पकड़न दे विच हासिल हुई है। तो पुलिस वालों जनता दा सहयोग जरूर मंगिया कि कोई भी सानूं शक्की इंसान लगता है जां फिर कोई चोरी करता होया इदां दा इंसान लगता तो उसकी जानकारी पुलिस नूं तुरंत दी जाए, जिदे नाल कि इन्हां चोरों के उत्ते नकेल कसी जा सके। तो होर खबरां देखने लिए वध तो वध चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो नाल दी नाल खबर नूं लाइक शेयर कमेंट करो, जिदे नाल कि होर खबरां तुहाडे तक लैके आ सकीए। धन्यवाद।